हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बने। केंद्र सरकार ने किसानों के आत्महत्या का रिपोर्ट कार्ड वो भी 2016 का अभी हाल में ही जारी किया है, जबकि किसानों का रिपोर्ट कार्ड हर साल जारी होना चाहिए। 2017, 18 यहां तक कि 19 का भी अभी रिपोर्ट कार्ड आना बाकी है, जहां पर केंद्र सरकार का कहना है कि 2014-15 की अपेक्षा 2016 में बहुत कम आत्महत्याएं हुई हैं। अगर मैं बात करूं यूपी की, फिर बुंदेलखंड की, फिर अपने बांदा की, तो यहां के आंकड़े जो केंद्र सरकार ने पेश किए हैं उससे कई गुना ज़्यादा हैं। अगर यहाँ के बुद्धिजीवी की बात की जाए, जो लोग किसानों के लिए काम करते हैं, वो बताएंगे कि कितने ज़्यादा आंकड़े हैं। यहाँ के किसानों के आत्महत्या की रिपोर्ट खबरें रोज़ आती रहती हैं और रोज़ देखने सुनने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार अपने इस मामले पर क्यों पर्दा डालना चाहती है कि बहुत कम किसानों ने आत्महत्याएँ की हैं। आखिरकार ये स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? किसान आत्महत्या करते हैं इतने सारे, और मतलब ये तो सरकारी आंकड़ा है। अगर हम रियल की बात करें, सरकार उन मुद्दों को उठाते ही नहीं, वो शायद आंकड़े उनके पास होंगे भी नहीं, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सत्य है कि सरकार किसी की भी बन जाए या किसी भी दल की बन जाए, उस किसानों के नाम पर कोई ना कोई प्रोपोगंडा फैलाया जाया करता है। जैसे वर्तमान सरकार में किसान फसल बीमा योजना चल रही है, पूंजीपतियों के हाथ है। अभी तक शायद आप बांदे जिला को देख लें तो यहाँ पर किसी को किसान फसल बीमा मिला नहीं है, बल्कि अब आज के अखबार में मैंने पढ़ा था कि रातों रात 24 बीघा की अन्ना मवेशी फसल चट कर गए थे। अब उनको किसान का बीमा का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा है। तो ये सब पूंजीपतियों के घर भरने के तरीके हैं, ये कोई योजना नहीं है। तो कौन सी ऐसी समस्याएं जहां पर किसान बहुत परेशान हो जाते हैं? यहाँ हमारे यहाँ बहन जी हमेशा बस वही ज़्यादातर पानी भी है, पानी से परेशान किसान, किसी पानी है नहीं, फसल हो नहीं पाता, बस ये सब समस्या है। अब ये मोदी साहब दिया 6-6 रुपये नहीं दिए साल दे रहा किसान को, ले हमारा नहीं भी आज तक आया, कई बार यहाँ से बांध तक गए फिर करो हम, लेकिन अभी पैसा नहीं दिया हमारा। बहुत से ऐसे है कि 100% में ज़्यादा से ज़्यादा 50 पाएंगे, 50 तो फिर ही गए हैं। तो इसके लिए आपने कहा नहीं किसी से? अरे प्रधान से कहा, पटवारी से कहा, और यहाँ से बांध तक गए विकास भवन तक, वहाँ तक कृषि विभाग तक, वहाँ से फीडिंग करवाया, सब कुछ लेके गए कागजात, लेकिन अभी नहीं आ पाया, 2 महीने हो गए फीडिंग करवाया। कभी आपने किसानों को आत्महत्या करते हुए सुना है? हाँ, कोई सुना। आपके परिवार में आसपास? हाँ भाई जी, अपने अपने यहाँ क्षेत्र में मैंने सुना ना देखा, लेकिन हुआ है बाहर कुछ दूर 15-50 किलोमीटर दूर हुआ है, लेकिन मेरे यहाँ नहीं हुआ। तो कैसे क्यों आत्महत्या कर लेते हैं? अब यही आत्महत्या कर लेते, जैसे मान लो ज़्यादा खर्च ले लिया, पैदावारी ना दे पाए, सोच है कोई लड़का बेटी की शादी करना नहीं पहुंच पा रहा, उसको करना सोच, इसलिए आप हत्या कर लिया, क्या करें, कोई तो ऐसा माइंड में होगा जाए तो कर लिया। तो ऐसे कौन से वो हैं जहां पर किसान मात खाते हैं, उनको प्रॉब्लम हो जाती है, कौन कौन सी ऐसी दिक्कत? बस ये गोरुन वोरुन वाला हमारे यहाँ दिक्कत थी, वो रुआएँ चर गए, अगर जाकर रहें तो हाँक दिन और सफाया कर दी। तो आप जैसे गेहूं की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, क्योंकि अन्ना जाना तो है ही, ताकेंगे बारी यारी लगाएंगे, कुछ तो व्यवस्था करेंगे। हाँ, आप जैसे कितने किसान, आपके गांव के कितने किसान हैं ऐसे? सब देश है किसान है। हाँ, किसान इनका काम सबको करता है। नहीं तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि किसानों की कौन सी ऐसी समस्याएँ हैं जहाँ पर वो बहुत परेशान होते हैं और जिसके कारण बहुत किसान है कि वो आत्महत्या कर लेते क्षेत्र हैं। में पानी वाली समस्या? हाँ, पानी का है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है पानी वाली समस्या है सबसे ज्यादा। हाँ, हमारे यहाँ क्या है कि ढोरों की समस्या है, हमारे यहाँ मानना प्रथा की दिक्कत ही, पानी की ज्यादा दिक्कत। जो इस समय आत्महत्याओं का दौर चल रहा है किसानों का और लगातार बढ़ता जा रहा है, उसका प्रमुख कारण है कि किसान का कर्ज में डूबा होना, बैंकों के बोझ के तले बहुत सारे किसान, लगभग 90% से ज़्यादा किसान कर्ज के बोझ में दबे होने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, समय पर बैंकों का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, चूँकि तमाम प्राकृतिक आपदाएं
इसका कारण है। अन्ना जानवर जो छुट्टा जानवर है वो किसानों की फसलें चरे जा रहे हैं, उस कारण से उनको नुकसान होता है और वो बैंक का पैसा नहीं दे पाते, इसलिए जो है लगातार किसानों की आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। तो एक कारण और है कि इसमें जो किसानों के अनाज का मूल्य है वो नहीं मिल पा रहा किसानों को, जो मिलना चाहिए वाजिब मूल्य मिलना चाहिए, जो उनका खर्च है, इसके कारण से खेती पूरी तरह से घाटे का सौदा है और किसान पूरी तरह से तबाह है और बर्बाद है, इसलिए वो लगातार किसानों की आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। और चूँकि कोई ठोस कदम सरकारों द्वारा नहीं उठाए जा रहे तो किसानों के पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बच पा रहा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।